सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। क्या नाम है आपका? मनमोहन यादव। यादव जी, यहाँ पे आप किस पद पर कार्यरत हैं? मैं यहाँ सेंटर प्रभारी हूँ गेहूँ खरीद के। अच्छा, यहाँ पे जो तुलवाई होती है, किसान अपना गल्ला बेचने आता है, उतरवाई होती है, उसमें किस हिसाब से उनसे पैसा लिया जाता है, कितने की पर्ची दी जाती है या लेबर साथ दी जाती है, उसकी जो कीमत है उसमें 10 रुपए ऐड कर दिए जाते हैं तुलाई छनाई के। ठीक है, टोटल कितने की पर्ची दी जाती है या कितना पैसा जो अमाउंट होगा उसका, जो उसकी कीमत होगी गल्ले की, वो प्लस 10 रुपया जो मजदूरी है वो आपको मिल जाएगा। 10 रुपये। अच्छा, तो जो मजदूरी देना पड़ती है किसानों को, जो उतरवाई या छनवाई होती है, वो किसान पर्सनल अपना अलग से देता है? 10 रुपया में गवर्नमेंट के आदेश है कि 10 रुपया में कराइए, 10 रुपया में। यहाँ कोई हैंडलिंग ठेकेदार नियुक्त नहीं है। ठीक है, अब 10 रुपया में कोई लेबर काम करने के लिए तैयार नहीं है 10 रुपया क्विंटल में। तो किसानों को स्वयं ही अपनी लेबर ढूंढनी पड़ती है यहाँ? नहीं, लेबर ढूंढना नहीं पड़ती, लेबर तो ऑलरेडी यहाँ है, आप उनसे भी करवा लो, या आप नहीं करवाना चाहते दूसरी लेबर की व्यवस्था कर लो, बाहर आना और पैसा जिस हमारी जिम्मेदारी है हम दे देंगे आपको। अच्छा, तो कुछ आइडिया बताएंगे किस हिसाब से यहाँ पे लेबर चार्ज करती है? आइडिया ये है कि जो मंडी मंडी रेट है, जो मंडी में भी लग रहा है, तो एक बोरा को कितना लगा? अच्छा, क्या नाम है आपका? भागीरथ। भागीरथ जी, यहाँ पे आप क्रय विक्रय में काम करते हैं, क्या काम करते हैं यहाँ पे? पल्लेदारी। पल्लेदारी करते हैं। तो जब किसानों का माल यहाँ पे आता है तो आप लोग क्या कैसे चार्ज करते हैं, क्या क्या होता है यहाँ पे? 30 रुपया क्विंटल छनाई पल्लेदारी दोनों है। अच्छा, तो किसानों से आपको डायरेक्ट पैसा मिलता है या इन लोगों के क्रय विक्रय वालों के थ्रू मिलता है? नहीं, किसानों से डायरेक्ट डायरेक्ट पैसा मिलता है। ठीक है, तो लगभग दिन भर में कितना माल तुलता है यहाँ पे, लगभग अंदाज है कुछ? ये तो नहीं बता सकते हैं, वो जगह के हिसाब से हो जाता है। आप कितने क्विंटल खुद स्वयं कर लेते होंगे दिन भर में? स्वयं, अब जैसे लेबर के ऊपर 5 जने या 6 जने हैं, 8 जने हैं या 4 जने हैं, में भी टाइम लगता है, तो छनाई में भी टाइम लगता है, तो छनाई के हिसाब से हो जाता है। दिन भर में कितना क्विंटल गेहूँ आप लोग निकाल लेते हो? 100-150-200 क्विंटल। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बढ़िया बेड जो बना रहे भैया। कागज देता हूँ, ऑनलाइन 10-15।